नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। हमीरपुर में निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर में बस ऑपरेटरों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आरटीओ हमीरपुर ने कमर कस ली है। आरटीओ डॉक्टर विक्रम महाजन द्वारा सभी बस ऑपरेटरों को फरमान जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर सवारियों के साथ दुर्व्यवहार किया या फिर निर्धारित बस स्टॉप पर बस नहीं रोकी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सवारियों द्वारा शिकायत पहुँचने पर भी बस ऑपरेटरों से जवाब मांगा जाएगा। क्या प्रॉब्लम आती है? मेरा नाम सतीश है और हम लोकल बसों में आनू के लिए जाते हैं तो ये बिठाते नहीं आने वालों को, कहते हैं कि सरकारी बस में जाओ और वो मतलब सरकारी बसें कम जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मतलब प्राइवेट बस वाले इतने मना करते हैं, इसमें मत नहीं जाना मत जाओ कहते हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो हमारे बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो सरकारी बस है चाहे प्राइवेट बस है, कई जगह से हमारे को ये कंप्लेंट आ रही है कि वहाँ पे बसेस नहीं रोकी जाती हैं, कई स्टेशन पे बसेस नहीं रोकी जाती हैं। मेरा अनुरोध रहेगा सभी बस ऑपरेटर से कि हर जगह जहाँ पर भी वो बसेस के लिए लोग आग्रह करते हैं रोकने के लिए, वहाँ पे बसें रोकी जाएं। और नज़दीक की सवारियाँ कई बार ऐसा होता है कि बसेस नहीं चढ़ाती हैं, नहीं वहाँ पर हम लोगों को वहाँ में बिठाया जाता है, तो इसके बारे में भी मेरा लोग ट्रांसपोर्टर से अनुरोध रहेगा कि वो कृपया सभी सवारियों को बस में जगह दें। अगर हमारे अनुरोध और हमारी इंस्ट्रक्शंस के बाद भी अगर ट्रांसपोर्टर्स इस गलती को दोहराते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और अगर ऐसी बसेस नहीं रोकी जाती हैं, कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रूट कैंसिल करने तक चलेंगे। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक, अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चंबा के ग्रामीण इलाकों में खूब फल फूल रही है। मनरेगा के तहत चंबा के ग्रामीण इलाकों के लोग काफी खुश हैं और मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मनरेगा में गरीब लोगों का उत्थान हो रहा है और ये योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों में काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना से हर परिवार को पंचायतों के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा का काम जो है ये बहुत अच्छा काम है, हम जो गरीबों के लिए जो है, गांव के लोगों के लिए जो है ये अच्छा काम है। सरकार ने जो ये जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, हम चाहते हैं कि ये सदा के लिए स्कीम जो है लागू रहे ताकि गांव के लोगों को और गरीबों के लिए जो है रोज़गार मिलता रहे। जो हमारी ये रोज़गार गारंटी योजना है 2004 से शुरू हुई है, ये खासकर तो ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार ने बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी होती है और काम धंधा जो है इतना नहीं चलता है जितना कि शहरों में चलता है। तो हमारे यहाँ पर जो भी हमारे सहपाठी थे, भाई थे, बहन थे, जो भी मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर भागते थे, लेकिन उनको अब शहरों की ओर जाना जो है वो नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना आई है कि हमारे घर द्वार पर ही हमें रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं। जो मनरेगा है इससे हमें बहुत बड़ी फायदा मिल रहा है। ये हमारे गांव में जो पहले घारे वगैरह जाती थी, अब वहाँ हमारी जमीन में जो भूस्खलन से वो गई थी वहाँ पे डंगे लग रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हमें काम करने के लिए दूर जाना पड़ता था, मनरेगा का हमें फायदा है कि अब हम घर के नजदीकी हमारी लेडीज हम काम कर पा रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय चंबा में चंबा शहर की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चंबा शहर में खराब पुलों की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था ना होना, टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था करवाने व चंबा अस्पताल के पास 6 से 8 बजे तक के मार्ग को जो वन वे किया गया है उसे हटाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मीटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई है और हमने ये पुल का मुद्दा और टैक्सी का मुद्दा, ये दो तीन मुद्दे डिस्कस किए हैं। उसके अलावा हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से एक अनुरोध ये किया है कि शाम को जो 6 से 8 तक चंबा बाजार में नो व्हीकल जोन किया गया है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत जाम लगता है। ये पोस्ट ऑफिस चौक से गाड़ी दोनों तरफ से आती है, एक पार्किंग से आती है, एक इधर से आती है, तो उसमें कभी भी मिसहैपिंग हो सकती है। तो हमने डी साहब से ये अनुरोध किया है कि इसको ख़त्म किया जाए और उन्होंने हमारी बात को ये मानते हुए
ये ऑर्डर किए हैं कि कल से जो है ये नो व्हीकल जोन जो है ये खत्म कर दिया जाएगा। चंबा में आने जाने की बहुत ये टैक्सीज जो आती है, यहाँ एक जाम लगा रहता है बिलीनिंग गेट के पास, उसको उस पर सुधार लाया जाए ताकि हमारे जो एम्बुलेंस है या कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या बाहर से जो कोई आते हैं उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि परेल पुल जो है वो गिर चुका है, दूसरा जो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी समय लेगा, तीसरा पुल जो बालू पुल है वो हैवी व्हीकल के लिए बंद हो चुका है, और इस वक्त जो हैवी व्हीकल के लिए जो इन्होंने टीवी वार्ड के माध्यम से रखी है ये आवाजाही, वहाँ जो 1985 में एक ब्रिज बना था वहाँ उसकी भी हालत जो है वो खस्ता है, और कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है वहाँ और वो पुल भी अनसेफ डिक्लेयर किया जाता है, तो हमारे चुरा सलूरी के जो सब डिवीज़न है वो चंबा के साथ कट ऑफ हो जाएगी। अब आपकी सेक्स समस्या हो जाएगी छूमंतर। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर शराब और बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी है, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपका दिन रात की कमाई का क्या फायदा, तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आ गए हैं विश्व विख्यात सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की पूरी गारंटी देते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने पंजाब रोडवेज टीपू नंबर 1 के पास शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन कीमती देसी नुस्खों से देसी दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो अभी कॉल करें। अपने बेबाक अंदाज और बातों की वजह से अलग पहचान रखने वाले स्वामी अग्निवेश ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और ढोंगी बाबाओं पर खुलकर बरसे। उन्होंने हरियाणा सरकार को भी राम रहीम की मदद करने पर आड़े हाथों लिया और उन्हें वोटों के लिए बिकने वाली सरकार बताया। इसके साथ ही फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे आंदोलन की भी निंदा की और बिना फिल्म देखे योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान तथा वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा फिल्म को बैन करने की मांग पर उनके इस्तीफे तक मांग डाले। मैं समझता हूं कि हमारे आर्य समाज के कुछ संस्कारों को लेकर के जो भी काम हुए उससे थोड़ा सा ये रिजल्ट निकला, तो इस रिजल्ट की वजह से आज आशाराम बापू जेल में सड़ रहा है, चिल्ला रहा है, जमानत तक नहीं दी जा रही है। रामपाल बाबा जेल में सड़ रहा है, उसको जमानत तक नहीं मिल रही है। इसी तरीके से अभी राम रहीम गुरमीत सिंह ये भी जेल में सड़ रहा और सारी ज़िंदगी सड़ेगा। तीनों के पीछे कोई ना कोई आर्य समाजी युवक, बेटी, बेटा, उनका एक योगदान है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि सरकारों की जो भूमिका सचमुच में होनी चाहिए थी ठीक उल्टी रही, ये समझौतावादी और सौदेबाजी वाली, ऐसे पाखंडी नेताओं के साथ किया उन लोगों ने जो हमारे पूरे प्रजातंत्र को एक तरह से षड्यंत्रकारी भूमिका के साथ और बर्बाद कर रहे थे। देखिए कि उस समय बचा रही थी और उसका जो हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया है वो अपने आप में काफ़ी एक सख्त बात कही, बहुत सख्त। और यदि कोई पार्टी है, हुकूमत में है और वो इन चीज़ों को वो नहीं दे रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी पद्मावती के मामले पर जिन राज्य सरकारों ने, बीजेपी की मुख्यमंत्रियों ने आगे बढ़ करके बैन लगाने की बात कह दी, अभी फिल्म देखी नहीं है, सेंसर बोर्ड ने भी नहीं देखी है, और उससे पहले ही मुख्यमंत्री एक के बाद एक, वो चौहान साहब हैं हमारे, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के, रूपाणी जी हैं गुजरात के, वसुंधरा राजे खुद राजस्थान की, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, एक एक करके करें, नहीं 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 इसके ऊपर ये लगाओ वो लगाओ, अरे भैया तुम देख तो लो पहले। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई चीफ जस्टिस ने, मैं सुप्रीम कोर्ट का फिर एक बार इस बात के लिए उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल मोहाली में स्थित गुरुद्वारा अंब साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उनको पंथ के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया और वो अपना काम करेंगे। इसी बीच सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा बीच बचाव में उतरे, लेकिन मीडिया के सामने उनकी एक ना चली। गुरमत दा प्रचार, सिखी दा प्रचार नूं तेज करना, उस प्रचार नूं घर घर तक पहुँचाउणा, उहदे लई मैं समुचियां सिख संस्थावां, समुचियां सिख जथेबंदियां, समुची संगत दे नाल लै के और सिख धर्म दे प्रचार दे लई असीं हर पिंड पिंड जावांगे और इहनूं इहदे विच बड़ी तेजी लै के आवांगे। सो इस लई जिथे गुरु घरां दी सेवा संभालदा है, उहदे विच वी बड़ी पारदर्शी ढंग दे नाल जिहड़ी असीं सेवा करनी है। तो यही मेरी मुख्य जिहड़ा है मनसा है। हर शादीशुदा जोड़े का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिनके आंगन में किसी बच्चे के किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस एसटी हॉस्पिटल ने। एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 09915402525, 01815042525। बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर पंजाबी फिल्म्स में काम करना चाहते हैं। पंजाबी होने के नाते उनके मन में आज भी पंजाबी फिल्मों में काम ना करने की टीस है। चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में अपनी पत्नी सुप्रिया पाठक के साथ नाटक ड्रीम्स शहर की प्रस्तुति करने आए पंकज कपूर ने कहा कि अगर उन्हें किसी अच्छी पंजाबी फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो वह उसमें जरूर काम करेंगे। मैंने अभी भी जवाब दिया, वहाँ भी जवाब दिया, आपको भी जवाब दे रहा हूँ कि इस तरह की फिल्में मेरे पास आएँ, ऐसे स्क्रिप्ट्स मेरे पास आएँ जो पंजाबी में लिखे हों, जिसमें ऐसा किरदार मुझे ऑफ़र किया जाए जो मुझे लगे कि मैं करना चाहूँगा। कोई वजह नहीं है कि मैं पंजाबी फिल्म के अंदर काम नहीं करूँगा। मुझे बल्कि अफसोस है इस बात का कि मेरी मदर टंग है, मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ और पंजाब की ही फिल्में जो हैं वो ना मेरे पास आती हैं, ना उस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, ना उस तरह के कैरेक्टर्स मुझे ऑफ़र किए जाते हैं जो कि मैं करना चाहूँगा। तो आई लुक फॉरवर्ड के लोग आएँ अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स के साथ, अच्छे रोल्स के साथ और मैं पंजाबी फिल्मों में काम करूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।